हेलो स्टूडेंट, मैं एक कसी आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 के पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कुंवर सिंह। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी तात्या टोपे, ये मंगल पांडे, नाना साहेब, ये सब नहीं थे। कुंवर सिंह यहाँ पर सही आंसर होगा। 1857 में बिहार में जगदीशपुर में बिहार की विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनके अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों के कारण उन्हें बिहार का सिंह माना जाता है। शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता समाप्त कर अपनी सरकार स्थापित की। विभिन्न स्थानों तथा रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ आदि में उन्होंने विद्रोहियों का सफलतापूर्वक क्या किया था, नेतृत्व किया था। उनकी अंतिम सफलता थी गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित करना। इसी स्थान पर वे बुरी तरह घायल हो गए थे और फलस्वरूप 26 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें एक काल क्रम में यहाँ पर जो है वो लगाना है। तो सब यही तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है 1792, बसई की संधि जो है वो है 1802 ईस्वी, और सालवाई की संधि देखती है 1782 ईस्वी, और जो सूरत की संधि है वो है 1775 ईस्वी। तो इस तरह से जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है सूरत की संधि सबसे पहले आई थी, उसके बाद सालबाई की संधि, उसके बाद सूरत की संधि के बाद सालबाई संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और फिर आएगी सबसे लास्ट में बसई यानी बेसिन की संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से किसने भारत में बैपटिस्टिक मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना है। तो हेस्टिंग बेलेजली, बेलेजली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेलेजली 1798 में से लेके 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों का विनाशक माना था। उसने सहायक संधि प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर संधि के साथ समाप्त हुआ था, यानी पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा जो है मंगलोर संधि के उसमें समाप्त हुआ था। तो द्वितीय आंग्रे मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला, 80 से 84। इस युद्ध की समाप्ति जो है 1784 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा हुई थी। इस दौरान वारेन हेस्टिंग अंग्रेज गवर्नर जनरल के पद पर थे। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था। तो आंसर हमारा क्या होगा, मांडवी, सूरत, कोलाबी, जालौर, उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। विलय के सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 1834 में प्रयोग किया गया था। यद्यपि इसका प्रयोग जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम कंपनी द्वारा 1839 ईस्वी में मांडवी राज, तो मांडवी में सबसे पहले किया गया था, उसको हस्तगत किया गया था। तत्पश्चात 1804 में कोलाबा और जालौर व 1842 में सूरत को कंपनी द्वारा हस्तगत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो बिल्कुल दादा भाई नौरोजी ने सन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने रहनुमाई मदर्स या सन सभा की भी स्थापना की थी। उन्होंने राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका
पत्रिका का संपादन भी किया था और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 1851 में जनगणना आयुक्त थे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बेंस जो है जनगणना आयुक्त थे। भारत की जनगणना जो है 1891 में सर जर वाइस एथ लेंसटेन बेंस जनगणना आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, सूची एक और दो को मिलाना है, तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जो है डिस्पैच आयोग और जो है अधिनियम वो आए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं सही मिलान देखते हैं, तो यहाँ पर सूची एक और दो को मिलाना है, तो 1854 जो है शिक्षा का चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है, इसमें ए ऑप्शन जो है यहाँ पर वो सही हो जाएगा, यानी पहले का ए, दूसरे का बी का तीसरा और सी का फोर और डी का दूसरा, तो यहाँ पर 1852। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ए जो है हमारा वो ए का ए हो जाएगा, बी का हमारा जो है यहाँ पर सही आंसर वो है बी का थ्री, तो यहाँ पर 1882 का हंटर शिक्षा आयोग और इसका 1904 जो है भारत सरकार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और डी का जो है वो है दूसरा, तो सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में, तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, 1917 का सेडलर, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1882 का हंटर और 1854 का हो जाएगा शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। अगला है, दक्षिणेश्वर संबंधित है किससे, तो रामकृष्ण परमहंस जो है इनसे संबंधित थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, उनका बचपन का नाम गदाधर था, स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे, तो एक मूवी है स्वामी विवेकानंद करके, उसमें भी रामकृष्ण परमहंस में जो मिथुन चक्रवर्ती ने उसका अभिनय किया है, तो आप उसको स्वामी विवेकानंद को समझना उनकी जर्नी एक अगर फिल्म के रूप में देख सकते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण सभी धर्मों की एकता पर जोर देते थे। आगे, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे, तो कौन से नहीं जुड़े थे, शाह अब्दुल अजीज जो है वो नहीं जुड़े थे। व्याख्या में देखते हैं, देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम नातेतवी एवं रशीद अहमद गंगोई द्वारा की गई थी। इस स्कूल की स्थापना 1866 से लेके 1867 में देवबंद सहारनपुर में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबद्धित करना, मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना तथा अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग करना था। इस संस्था के नेता जो थे महमूद उल हसन थे, इन्होंने संस्था के धार्मिक विचारों को राजनीतिक बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया था। शिवली नुमानी जैसे फारसी एवं अरबी के प्रख्यात विद्वान और लेखक भी देवबंद स्कूल के समर्थक थे। शाह अजीज अब्दुल अजीज जो है देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि दी गई थी, तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले को दी गई थी, तो महादेव गोविंद रानाडे की जो शिष्य तथा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की वित्तीय मामलों की समझ और उन पर तार्किक बहस करने की क्षमता क्या थी, बेजोड़ थी, यही कारण है उनको ग्लैंड स्टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची एक और दो से मिलान करना है, तो तिलक का गीता रहस्य हो जाएगा, अरविंदो का स्प्रिंग टाइगर हो जाएगा, बोस का और अरविंदो घोष हो जाएंगे द यूनिटी ऑफ इंडिया, नहीं अरविंदो आइडियल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी हो जाएगा और जे एल नेहरू जवाहरलाल नेहरू का द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो इस हिसाब से एक दो तीन और
चार, यहाँ पर डी ऑप्शन। अच्छा यहाँ पर ये बताना है कि सुलेमित नहीं है, ये बताना है। तो जी वी तिलक का सही है, बी सी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस का भी सही है, और यहाँ पर अरविंदो घोष का भी सही है, नेहरू जी का सही नहीं है दोस्त। ओ यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लेते हैं आंसर, जो द स्प्रिंग टाइगर जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ह्यूट ह्यूज टोए ने लिखी थी, द स्प्रिंगर स्प्रिंगिंग टाइगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताना है। तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो गांधी जी से संबंधित नहीं है, बाकी आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक करना है, वरना हमारे जो है कन्फ्यूजन से भी क्या है क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं। अगला है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही है कथन बताना है। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर दोनों ही सही है, सी ऑप्शन सही है। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, उनका विचार था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर क्या है स्वराज प्राप्त कर लेगा। उन्होंने जनता से आग्रह किया था कि वे स्कूलों कॉलेजों और न्यायालयों में ना जाएं तथा ना कर चुकाएं। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 14 सितंबर 1934 को वर्धा में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। इस आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु कांग्रेस ने स्वायत्त की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए प्रख्यात डॉक्टर जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा का चयन किया था। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष श्री कृष्णदास जाजू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की स्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को जो है वो घोषणा यहाँ पर की थी। तो व्याख्या देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया था। दिल्ली चलो का नारा जो है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिन्हें जर्मनी, जापान, फिलीपीन, कोरियाई, चीन, इटली, मंचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। उन्होंने 1944 में रंगून के रेडियो पर गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों हथियारों व युद्धों सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था, तो चिन लेख को, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उप महाद्वीप में भारत व पाकिस्तान से दो राज्यों को 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के योजना की घोषणा की थी, और 30 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर विभाजन परिषद द्वारा सशस्त्र बलों के बंटवारे पर सहमति व्यक्त की थी। फील्ड मार्शल आचिन लेक को माउंटबेटन के तहत संयुक्त रक्षा सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था, जिससे सैनिकों हथियारों और युद्ध सामग्री के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला है, इनमें से किसे भारत के प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन के आरंभ का श्रेय दिया जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है ब्रिटिश भूगर्भी विज्ञानी थे, पुरातात्विक थे, जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित। ब्रस फूड ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में महापाषाण बस्तियों का क्या क्या था अन्वेषण किया था। अगला, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त होती है, तो विंध्य घाटी के निम्न जो है पूरा पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं यहाँ पर,
बिंद घाटी में स्थित बेलन के लोहदा नाला जो है, लोहदा नाला बिंद घाटी में स्थित है, वहां से उच्च पाषाण काल उपकरण से अतिरिक्त अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी के उच्च वर्ग पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच क्या किया गया था, निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है। तो धौलावीरा जो है वो किससे संबंधित होगी, तो हमारा बिल्कुल आंसर जो है प्राग हड़प्पा ग्रामीण सभ्यता, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के भचाऊ तालुका में स्थित है, जिसकी खोज जो है 1867 से लेके 768 जीपी जोशी ने की थी तथा 1990-91 में आर एस बिस्ट ने यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाया। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण की समावधि जो है 2650 से लेकर 2500 पूर्व ईसा पूर्व मानी जाती है। इस चरण में यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किस स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त होते हैं, तो आंसर होगा हमारा 7 अग्निकुंड तो हो जाएगा लोथर। वैसे कालीबंगा में भी जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अगर 7 पूछे तो लोथर लगाना है। लोथर में 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथर गुजरात के अहमदाबाद जिला जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो है डॉक्टर एस आर राव ने 1957 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक गोदीवाड़ा भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पी स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो चावल की खेती के प्रमाण हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो नीचे बताना है। तो यहाँ से जो मिलता है वो है लोथल से मिलता है, बाकी मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो कालीबंगा से नहीं मिलता है, सुरकोतड़ा से भी नहीं मिलता है। तो चावल की खेती कालीबंगा और सॉरी लोथल और मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। इन दोनों ही स्थलों से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथर से मिले हैं। आगे है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल दमदमा से बूचड़खाना प्राप्त होता है। यहाँ की खुदाई में 41 मानव शवाधान तथा विभिन्न पशुओं जैसे भेड़ बकरी गाय बैल भैंस हाथी गैंडा चीतल बारहसिंगा सुअर आदि की हड्डियां मिली हैं। संभवतः ये एक बूचड़खाना क्षेत्र रहा होगा। आगे है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, तो पूर्वी सीमा यहाँ पूर्वी सीमा मतलब जैसे इंडिया और नीचे, तो ये क्या है कि तो उत्तर सीमा जो है बिल्कुल ऊपर जो है जम्मू एंड कश्मीर ऊपर जो वो होगी, और अगर दक्षिणतम कन्याकुमारी और यहाँ गुजरात और यहाँ अरुणाचल, इसी तरह से क्या है हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा पूछिए, तो हमारा बिल्कुल आलमगीरपुर जो है वो पूर्वी सीमा थी। संपूर्ण सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल 12,15,000 वर्ग किलोमीटर में था। किसका, सैंधव सभ्यता। इसका विस्तार उत्तर में मांडा कश्मीर से दक्षिण में दैमावाद महाराष्ट्र तथा पश्चिम में सुत कांगे डोर से पूर्व में आलमपुर उत्तर प्रदेश में तक था। अगला है, ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र जो है लिखा गया था, तो गायत्री मंत्र तृतीय में लिखा गया था, और ये किसका रचनाकार विश्वामित्र थे, और ये मंत्र जो है सविता यानी सूर्य को समर्पित है। नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा महाभारत, बी ऑप्शन सही है। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का उल्लेख जो है सर्वप्रथम महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जहां उन्हें सर्वव्यापी एवं सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। यद्यपि नारायण का उल्लेख जो है ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं है, तो सावित्री है सविता है और विश्वकर्मा है। विष्णु उरु क्रम जो है वो सूर्य के नहीं है। अगला है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो महायान का था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कनिष्क एक प्रसिद्ध
कुषाण वंशी शासक थे। इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान करना तथा उनका मध्य एशिया एवं चीन के प्रचार करना। इस उसके शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर संगीति का आयोजन किया गया। उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी तथा अशोक घोष उसके उपाध्यक्ष थे। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र ने। 300 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। यह सभा जो है स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसमें जैन धर्म के 12 अंगों को संपादित किया गया था। जैन धर्म को दो भागों में दिगंबर तथा श्वेतांबर में बांटा गया है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ? तो हो जाएगा हमारा कौन सा, ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम यानी ऋषिपत्तनम को क्या बोलते हैं? सारनाथ भी बोलते हैं। तो सारनाथ ना देकर ऋषिपत्तनम दिया जाए तो हमारा तो आंसर ही, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सारनाथ किसको बोलते हैं। सारनाथ को दूसरा नाम ऋषिपत्तनम भी है। तो ऋषिपत्तनम सारनाथ दोनों एक ही है। यहाँ पर 5 ब्राह्मण एवं उनके शिष्य बने थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। वहां बौद्ध ने 21 वर्ष क्या है वर्षावास किया था। अगला क्वेश्चन है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र जो है हमारा जैन धर्म से संबंधित है। प्राकृत में है विहाया पणति या विवाहा पणति कहा जाता है। 5वां जैन आगम है। कुल 12 जैन आगम है जो महावीर स्वामी द्वारा प्रख्यातित माने जाते हैं। इनकी रचना जो है सुधर्म स्वामी द्वारा प्राकृत में की गई है। यह सभी आगामों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज के लेखक में उल्लेखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो एग्रोनोमोई कौन थे? तो बिल्कुल नगर के अधिकारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जो है जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है चाहे वो यूजीसी कोई भी हो तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं। तो एग्रोनोमोई कौन थे? तो हो जाएगा हमारा नगर के अधिकारी मेगास्थनीज सेल्यूकस नेगेटर का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने चंद्रगुप्त के समय के भारत के विषय में अपना विवरण इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिखा है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई जो है नगर के अधिकारी थे। इनका कार्य जो है जमीन की नाप करना, टैक्स लगाना एवं वसूल करना था। अगला, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के समय में आया था? बिल्कुल बिंदुसार के समय में आया था। एंटियोकस जो है बिंदुसार के दरबार में, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। डायमेकस आया था, भेजा था बिंदुसार के। अमित्रघात, बिंदुसार को क्या क्या बोलते हैं? अमित्रघात भी बोलते हैं। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेटस के नाम से भी पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। यह मथुरा के रंगेश्वर महादेव के समीप एक बगीचे से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में उदिताचार्य द्वारा उपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक शिव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना का वर्णन है। इस लेख से तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म के होने की पुष्टि जो है होती है। राजराजा प्रथम की माता का क्या नाम था? तो यहाँ पर वन महादेवी नाम है। राजराजा प्रथम जो है चोल साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। इनके पिता का नाम सुंदर चोल, माता का नाम वन महादेवी था। उन्होंने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर बहदेश्वर मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगोकर्ण थी? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, राजेंद्र प्रथम जो है उसको गंगोकर्ण की उपाधि धारण की थी। चोल वंश में सबसे महान शासक जो है राजेंद्र प्रथम था। अपनी महान विजयों द्वारा उसने चोल साम्राज्य का विस्तार
कर उसे दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। यहीं पर उसने चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण करवाया था। अगला है, द्वितीय राज तरंगणी के रचनाकार कौन है? जोनराज जो है वो है द्वितीय राज तरंगणी के रचनाकार। जोनकार 15वीं सदी के एक कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत कवि हैं। उन्होंने द्वितीय राज तरंगणी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा जिन्होंने कन्नड़ की राज तरंगणी का सन 1149 ईस्वी तक की वृतांत क्या है जारी रखते हुए अपने समकालीन सुल्तान जैनुल अबादीन का वर्णन लिखा है, क्योंकि उनके शासनकाल में 35वें वर्ष में जोनराज का देहांत हो गया। फिर उनके शिष्य जो है श्रीवर ने इस वृतांत को आगे बढ़ाया था और इस कृति का नाम तृतीय राज तरंगणी था, जो 1459 और फिर 1486 तक के बारे में उल्लेख करता है। तो द्वितीय पूछे तो जोनराज, तृतीय पूछे तो फिर श्रीवर हमें लगाना है। अगला है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है सबसे पहले आएगा और फिर उसके बाद महमूद गजनबी, फिर है चंगेज खान। तो हमारे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तैमूर सबसे बाद में आता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। दूसरा तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और जो पहला है वो भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, पहला और दूसरा। पृथ्वीराज चौहान जो है चहमान वंश के एक प्रतापी शासक थे जो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती 1141 के समकालीन थे। ये चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक थे। निजामुद्दीन औलिया इसके समकालीन थे। इनको महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुवत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित कुवत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया था। इल्तुतमिश ने 1230 में तथा अलाउद्दीन खिलजी ने 1351 में कुछ और हिस्से इसमें क्या किए थे, जोड़े थे। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये बताना है, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी, तो ये सही है। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गैसुद्दीन लखनौती पर अधिकार किया था, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, इल्तुतमिश का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। उसने सुल्तान पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधित्व स्वीकृति पत्र को लेकर दिल्ली पहुंचा था। 1211 में हुसामुद्दीन एवाज खिलजी सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने युद्ध में गयासुद्दीन को पराजित करके उसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो यहाँ पर रामचंद्र हो जाएंगे, रामचंद्र थे। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया जहां के शासक रामचंद्र ने बाद होकर प्रतिवर्ष एलिफपुर की आय भेजने का वादा किया। 1307 में मलिक कफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र ने आत्मसमर्पण करके दिल्ली भेजा गया तथा जहां पर अलाउद्दीन ने उसे राय राहन की उपाधि दी और 6 माह के तत्पश्चात 1,00,000 सोने के टंके और नवसारी का जिला उसके राज में वापस भेज दिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की हत्या
खिजर खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर की राज्य की स्थापना और कन्नौज का युद्ध। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल, कन्नौज का युद्ध जो है वो 1530 में नहीं हुआ था, ये 1540 में हुआ था। तो ये वाला हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। कन्नौज तथा बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के पश्चात शेरशाह ने आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर आदि पर अपना अधिकार कर हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था, तथा पुनः भारत में अफगान साम्राज्य को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मलिक छज्जू का जो है विद्रोह वो नंबर एक पे जाएगा, मलिक छज्जू। फिर बाजार नियंत्रण व्यवस्था, फिर सांकेतिक। तो 4-3-2, 4-3-2 सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 में हुआ था, बाजार नियंत्रण 1296 और 1316 में, सांकेतिक मुद्रा तुगलक के समय में हुआ था, तैमूर आक्रमण जो है 1398 में। अगला देखते हैं, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, जामी मस्जिद के भीतर स्थित है। 1573 में अकबर ने गुजरात विजय के साथ इस क्षेत्र को विजित किया था, उसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा था। अकबर के इस दरगाह का निर्माण 1580 में करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से उनकी निर्माण तिथि क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आगरा सबसे पहले यहाँ पर कुतुब मीनार बना हुआ, तीसरा ऑप्शन सबसे पहले है 1193 में, आगे फिर कुतुब मीनार के बाद फिर दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां के समय बना था, आगरा का किला अकबर के समय में। तो यहाँ पर जो है आगरा का किला हो जाएगा, ताजमहल सबसे बाद में हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किरोरी जो शब्दावली आई है वो किसके समय में आई है, तो यहाँ पर अकबर के समय में आई है। व्याख्या देखते हैं, अकबर ने 1580 में 10 साल प्रबंध को आरंभ किया, उसे लगान व्यवस्था का स्थायी स्वरूप दिया। उस समय राजा टोडरमल जो है अर्थ मंत्री थे, उसका मुख्य सहायक जो है ख्वाजा शाह मंजूर था। अकबर ने अपनी 10 साल व्यवस्था को लागू करने के लिए जिलाधिकारी करोरी की भी नियुक्ति की थी। 10 साल प्रबंध संपूर्ण राज्य में लागू नहीं किया गया था, बल्कि लगान को निश्चित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग किया गया था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था, किसको संरक्षण दिया था। कृष्णदेव राय ने तो बल्लवाचार्य को दिया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्लवाचार्य का जन्म जो है 1479 में चंपारण छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता माता जो है तेलंगाना के काशी की यात्रा पर आए थे, और तभी यात्रा मार्ग में चंपारण में उनका जन्म हुआ था। विजयनगर में राजा कृष्णदेव के दरबार में उन्होंने शास्त्र में शैव पंडितों को परास्त किया था। विजयनगर सम्राट में उन्हें जगद्गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि से बशीभूत किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता सही है, मोहम्मद जो गजनवी है अलबरूनी, बलबन के समय मार्क पोलो नहीं आए थे। मार्क पोलो जो है 1292 में भारत आया था, उस समय जो है दिल्ली का सल्तनत जो है जलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो जलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था, जलाउद्दीन खिलजी। आगे है, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो श्री संप्रदाय जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। विष्णु वैष्णव धर्म जो है रामानुजाचार्य ने अपनी उपासना से लक्ष्मी व विष्णु को
उपासना पर अत्यधिक बल दिया। मान्यता है कि उनका मत लक्ष्मी द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित था, इसलिए उस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य को शेष नाग का अवतार माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर था? तो एक दो सही, एक बटा दो जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, दम्भ भी कहा जाता था। एक रुपए में 40 दान होते थे, इस प्रकार दाम जो है दशमलव मुद्रा में एक सही एक एक बटा 40 रुपया अथवा दो सही एक बटा दो पैसे के बराबर होता। दाम और रुपये के मध्य जो है आना नामक सिक्का शाहजहां ने चलवाया था। तो बहुत छोटे थे जब आना जो है दादी के समय पे चलता था ये आना। आगे मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुग से तात्पर्य था। तो मीर ए तुजुग जो है मुगल काल में धर्मानुष्ठान का एक अधिकारी था, यहाँ पर आंसर नहीं है, धर्म धार्मिक मामले देखता था। इसका कार्य जो है धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना था। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए सही कूट बताना है। तो सबसे पहले आंसर सीधे देखते हैं, चौसा का युद्ध जो है 1539 और खुसरो का विद्रोह 1606, धर्मत का युद्ध जो है 1623 से 26 था, और खुर्रम का विद्रोह और धर्मत का युद्ध जो है 1658 हो गया। आगे है, अकबर के शासन काल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो 33/1/3 जो है वो लिया जाता था। अकबर के समय उपज का 1/3 भाग वसूला जाता था। लगानों किसानों से लगान सिक्कों के रूप में लिया जाता था। उनके लिए दो अलग अलग क्षेत्रों में गल्ली की अलग अलग कीमतें निश्चित की गई थी। अकबर ने किसानों की भूमि का स्वामी स्वीकार किया तथा राज्य ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। पैवाकी शब्द से तात्पर्य है, तो पैवाकी जो है भूमि से संबंधित जागीरों के लिए अलग से सुरक्षित रखे गए इलाके अथवा भूमि जो है पैवाकी कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रजनीनामा शीर्षक दिया गया है? तो महाभारत जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महाभारत को रजनीनामा कहा गया, जो मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूं नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। रजनीनामा के प्रसंगों पर चित्र बनाने के लिए दशावंत और बसावंत को जिम्मेदारी दी गई थी। अगला है, तो रजनीनामा पे चित्र किस किस ने बनाए थे? दशावंत बसावंत, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्ष में सुमिलित करना है। तो देखते हैं कौन से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर कुछ वर्ष दिए गए हैं, तो कालीकट को हम 1500 से करेंगे, कालीकट, और कन्नानोर को 1502 से करेंगे, धाबोल को करेंगे हम 1522, और पोत्रानी से करेंगे 1525। तो हमारा इस हिसाब से जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द को 1661 में पुर्तगाली द्वारा दहेज के रूप में दिया गया था? तो किसको दिया गया था? तो मुंबई को दिया गया था। मुंबई जो है उस समय गुजरात के बहादुर शाह से छीन लिया था पुर्तगालियों ने, और 1661 में चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन डे ब्रिंगजा के विवाह के अवसर पर यह दहेज जो है अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो सही सुमिलित यहाँ पर नहीं है, ये ब्लैक होल सही है, प्लासी का युद्ध भी सही है, बक्सर का युद्ध भी सही है, देवगांव की जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 03 होना चाहिए, 1803। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 25 जुलाई 1856। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह हेतु कानूनी मान्यता मिल गई। इस अधिनियम के लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। अगला है,
1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक कौन होगा? बहादुर शाह जफर, जो जफर के नाम से क्या कविताएं लिखा करता था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।